हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। दोस्तों, काफ़ी दिन हो चुके हैं, हमारा काम जो अभी भी नहीं पूरा हुआ है दवा छिड़कने का, क्योंकि बीच में दो दिन दवाई हमारे पास नहीं थी। तो जहाँ पर वो आपको पता ही होगा, जो किसान होता है, जहाँ उसका खाता चलता है वहाँ से ही वो दवा मंगवाता है। तो फिर हमारी दवा आ रही थी यहाँ से 80 किलोमीटर दूर मांगरोल से, तो फिर वहाँ लेने जाने में और फिर आने में ऐसे ही टाइम निकल गया था। और फिर बीच में कुछ काम आ जाता है तो यार, तो ये दिक्कत रहती है। तो फिलहाल अभी हम नायल उतारते हैं, मजदूर आए थे कल नायल उतारने वाले। ये आप देख सकते हो यहाँ पे हर जगह ढेर की है नारियल के। तो फिर आज भी आएंगे, बहुत सारे अभी बाकी है नारियल उतारने के लिए। तो आज हमें काम निपटाना है। अभी अगर घर से आ जाता है बच्चे तो फिर उसको हम साथ में हम दवा छिड़क लेंगे, और साथ में अगर मजूर आ जाता है, देखो ये, इसको ये पहचानने में नहीं आता कि ये मेरे साथ रहने वाला आदमी है, देख के भी भौंकने लगता है। आप बताओ इसका क्या करें। चुप चुप चुप। तो ये बात रहती है दोस्तों, आज दवाई भी छिड़कनी है, नारियल भी उतारने है। तो जब नारियल उतारने वाले मजदूर आएंगे, उससे पहले अगर हमें टाइम मिलता है तो हम फटाफट से दवाई छिड़क देंगे, क्योंकि वो काम हमारा लास्ट टंकी रहेगा। लास्ट टंकी के बाद अगर कुछ 100-200 लीटर अगर बाकी रहेगा तो छिड़क देंगे। तो फटाफट ये काम हमें निपटाना है। मौसम काफ़ी अच्छा है, बारिश बंद हो चुकी है, 15 दिन से बारिश नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार कंटिन्यू जब बारिश की सीज़न चालू हुई थी तो कंटिन्यू हमारे यहाँ महीना 1.5 महीना कंटिन्यू बारिश हुई थी। तो यार ये सब काम काज रहता है यहाँ पे। देखो यहाँ पर भी हमने एक और ढेर किया है, और फिलहाल अभी नारियल के दाम काफ़ी आसमान छू रहे हैं। यहाँ से किसानों के पास से व्यापारी लोग अभी 35 रुपये या 40 रुपये में इसको ले रहे हैं, एक क्वांटिटी, एक पीस नारियल की, एक नारियल को 35 या 40 रुपये देने को तैयार है व्यापारी लोग। तो भाव कुछ ज़्यादा था तो सोचा यार, अभी तो 26 दिन हुए थे दिन जो हमने उतारे थे नारियल, उस दिन से लेकर अभी तक 26 दिन हुए, तो पूरा महीना भी नहीं हुआ। तो हमने जल्दी फटाफट जो दाम थे उसको कवर करने के लिए हमने उतार लिए। थोड़े कम उतरेंगे लेकिन कवर हो जाएगा दाम में। तो ये कुछ रहता है पूरा यार, सर्कुलेशन पूरा। तो फिलहाल अभी मैं सोच रहा हूँ टंकी हमें जोड़नी है या फिर मजदूरों की वेट करनी है नारियल उतारने वालों की। यहाँ पे दवाई चालू है अभी वो मजदूर आ गए नारियल उतारने, तो हमारा 1.5 घंटे में हमारा काम पूरा हो जाएगा 1 घंटे के अंदर। यहाँ पे मैंने ये डिसीजन लिया है कि इन छोटे पौधे में भी मुझे बड़ी गन रखनी है। बड़ी गन रखने का फायदा ये है कि आप स्लो प्रेस रखोगे और आपकी दवाई भी कम बिगड़ेगी, आराम से दवाई ऊपर तक पहुंच जाएगी। वो छोटी वाली गन में ये दिक्कत रहती है कि प्रेस फुल रखना पड़ता है, फिर भी ये ऊपर पहुंचती नहीं है, तो ये दिक्कत रहता है। अगर प्रेस स्लो रहेगा इस बड़ी वाली गन में, 10 फीट वाली जो गन है, तो उसमें फायदा ये होता है कि वजन भी नहीं लगेगा और दवाई हमारी पूरी ऊपर तक वहाँ तक पहुँच जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, इन पे हमारी नज़र पड़ गई, इतना क्या हालत है। दोस्तों मेरा दवाई का काम पूरा हो चुका है, और मैं अभी यहाँ पे आ चुका हूँ जहाँ नारियल उतार रहे थे, क्योंकि यहाँ से नारियल हमें बाग से बाहर निकालना है, क्योंकि जूते हैं बहुत लंबी और दूर हो जाती है, तो वहाँ पे मजदूर के द्वारा नारियल निकालना बहुत इम्पॉसिबल बन जाता है, थक जाएंगे मजदूर, इसलिए हम ये बाहर निकल रहे हैं, छोटी टोली भर के अब बाहर निकलेंगे।
दोस्तों ये मैं नारियल के आखिरी ट्रॉली भर के ले जा रहा हूँ। बस ये हमारा नारियल तोड़ने का काम पूरा हुआ और देखो ये कहाँ बैठ चुका है, पीछे दो खड़े हैं। दोस्तों ये हमारा आखिरी ट्रॉली लोड हो रहा है ट्रक में। ये देखो छोटी सी ट्रॉली में यार 800 नारियल आ चुके थे, 800 नारियल भर लिया पूरा लोड। ट्रैक्टर बाग से बाहर चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि थोड़ी अभी भी ज़मीन गिरी थी। तो ये देखो लोड हो रहा है हमारा नारियल। तो दोस्तों फाइनली हमारी ट्रॉली खाली हो चुकी है और ये बड़े ट्रक में नारियल भर चुके हैं। अब ये दोरे खींच रहे हैं बांधने के लिए। अब इन लोगों ने पन्नी से कागज़ से पूरा ट्रक ढक दिया है। अब इस पर इसके ऊपर दोरे से पूरा कस के बांध लेंगे ताकि सेफ रहे नारियल। बस देखो दोस्तों आखिरी पड़ाव चल रहा है ट्रक को कंप्लीट करने में। अब ये पन्नी लगा के दोरी खींच रहे हैं। यहाँ पर हमारे अहमद भाई पके हुए नारियल की गिनती करते हुए, क्योंकि एक एक हमारे नंग को एक एक नारियल को गिनना पड़ता है तब जाके पूरा हिसाब क्लियर होता है। फुल मौज में हमारे अहमद भाई आज जल्दी फ्री हो गए हम 3 बजे में, ताकि हमें उसको हिसाब देना पड़ता है एक एक नारियल का। पर ख़त्म करता हूँ क्योंकि खाना भी नहीं खाया दोपहर का। कंटिन्यू सुबह में 8:30 बजे की बात है, 8:30 बजे में दवाई छिड़कने शुरू कर दिया था मैंने। तो फिर जैसे ही दवाई का ख़त्म हुआ वैसे नारियल को उस बाग से बाहर निकालने में मैं लग गया था। तो ये काम का रहता है पूरा। अभी तो 4 बज चुके हैं, तो अभी बस ये लास्ट गिनती हो रही है नारियल की, उसके बाद मैं घर जाऊँगा, नहाने के बाद फिर खाना होगा। तो ये किसानों का हमारा काम का रहता है पूरा। तो दोस्तों आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। बाय।